प्राइमस कैसेट्स दो लाइन आपका
का समय खत्म नहीं करूंगा मैं। प्रसंग उस समय का है जिस समय महाभारत के 17 दिन खत्म हो जाते हैं, ठहरे की 18 की सुबह होती है और दुर्योधन छुप करके और जंगल में व्यास सरोवर में छुप जाता है। उस समय कुंती माता के पास जाते हैं 500 पांडव, माता को प्रणाम करते हैं। माता खुश होती, आज मेरे बहादुर पुत्रों ने महाभारत जीत लिया। उसी एक सबसे पहले मेरा वो बहादुर पुत्र आए जिसने उस दुष्ट दुर्योधन कुर कलंक को मारा हो, वो मेरे सामने आए, सबसे पहले मैं उसकी भुजा पूजूंगी। जैसे ही कुंती माता कहती है, पांडव सिर झुका लेते हैं क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को तो मारा ही नहीं था। फिर ईर्ष्या कर लेती है, माता जान गई इनसे कोई कुछ नहीं हुआ, धिक्कारने लगी है नाला को, तुम्हारे लिए धिक्कार है, मेरी सती पुत्र मधु की इज्जत लुटी, राजपाट छिना लिया और वो कुरु कलंक दुष्ट दुर्योधन बच के निकल गया। लज्जित हो जाते हैं पांडव। अब माता का आदेश लेकर के कृष्ण को साथ लेके चल देते हैं। अब होश से आते हैं तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कुछ आगे को चले ब्याज एक पावे और वो मृग पंछीन को रोज मार के खावे। भीमसेन पूछता है, भैया तेने क्या दुर्योधन को देखा है? वो कह लेगा कि देखो मैं दुर्योधन दुर्योधन कुछ नहीं जानता, लेकिन एक आदमी को मैंने देखा है, कैसी वेशभूषा थी, बाकी सिर पे सोहे मुकुट, हाथ में गदावली, ताके चिन्ह सब कह दूं राजा के दहल वो दिल के अंदर में, और वो कल पीछे को पैर जो जा ब्यास सरोवर में, इस ब्यास सरोवर में पिछले उल्टे पैरों से करके घुस गया है। कृष्ण भीम ने पहचान लिए पैरों के चिन्हों को, कहा ये दुष्ट घुस गया है। अब युधिष्ठिर से कहने लगे कि कुरुपद कैसे मारो जावे और स्वामी क्यों ना कल बतावे, ये कैसे मारा जाएगा, पानी में हमारी पेश नहीं पड़ेगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि कुरुपद सह नहीं सके और पार पे कटुक वचन सुनवाओ रे और बरसन की जो आग धक रही उसको आज बुझाओ रे, ये कड़े शब्दों को नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। भीम खड़ा होता है पार पे और ललकार मार के आवाज देने लगा, कैसे क्या बात है, करे कुटुंब नाश करवाए छिप्यो ना और तू तो आए, अरे मूढ़ है अभिमानी और मैं मारूं गदा, अरे घुमाए के सो फाट जाए। I'm gonna get you.
एकदम से खड़ा हो जाता है और गुस्सा छा जाती है। क्या हालत हो गई दुर्योधन की? क्या बात है। घी की भगु के बोल जाती अग्नि जैसे गिरता पड़े ज्वाला में और गुस्सा जाके खाई गई। सेवा में।